हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मी चैनल। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सबकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एकदम ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसके लिए मैंने सोचा थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग बनाकर आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। और मैंने ना बहुत दिनों से व्लॉग भी डाला नहीं है, तो मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग बनाकर आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँगी और आपके साथ थोड़े से बातें भी हो जाएंगी। तो इसलिए ना मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस तरीके की रेसिपी या फिर किस तरीके का ब्लॉग पसंद आता है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री में है, इससे तो कोई पैसा लगता नहीं है, बिल्कुल फ्री में हो जाता है। और यहाँ पर मैंने ना आलू छील रही हूँ रेसिपी के लिए। आज मैं बना रही हूँ आलू खीमा, मगर अपने स्टाइल में। एक बार बनाएंगे ना तो आपके घर में रोज़ रोज़ फरमाइश हो जाएगी यही रेसिपी बनाने के लिए, उतनी टेस्टी लगता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ना तीन चार आलू कट करके छील लिया है, छील कर कट कर लिया है। और साथ में दो प्याज ले लेंगे कट करके, टुकड़ों में कट करना है, ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है। और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने कुकर। अच्छा जी, आप अपना हाल बताइए, क्या हाल चाल है आप सबके? आपके यहाँ सर्दी है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो सर्दी धीरे धीरे कम होने लगी है, तो अब धीरे धीरे गर्मी की तरफ मौसम जा रहा है। और थोड़े दिन में ना मेरे बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, तो बच्चे ना थोड़ा सा बिजी है, मगर आज संडे है तो घर पर ही है बच्चे, तो दिन भर उनका ना मस्ती शुरू हो जाता है। और जब बच्चे घर पर होते हैं ना, मुझे लगता है स्कूल में ही ठीक है, घर में उतना मस्ती करते रहते हैं। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो भी मुझे नहीं अच्छा लगता है, घर में एकदम उदासी छाई जाती है। तो हर माँ का यही प्रॉब्लम होता है, बच्चे हो तो परेशान, नहीं हो तो भी परेशान, यही प्रॉब्लम चलते रहता है। खैर, हम लौटते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ना कुकर गर्म करके इसमें डाल दिया है तेल, और तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया दो कट करके प्याज, और साथ में डाल दिया टुकड़ों में कट करके हरी मिर्च, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। और अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें एक टमाटर, बड़ा टमाटर था मेरे पास तो एक ही डाल दिया, अगर आपके पास छोटे वाले हो तो आप दो डाल देना। और अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद इसमें ऐड करेंगे मसाले, वही सिंपल से मसाले जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। और यहाँ पे लिया मैंने एक चम्मच जीरा पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, और दो चम्मच भर के मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है। सारे मसाले को एक साथ हम इसमें डालकर अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और साथ में मैंने ना यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी भी ऐड किया था। और मसाले का अच्छे से भुनाई करने के बाद यहाँ पे डाल दिया मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे खीमा। मटन खीमा लिया मैंने आधा किलो, और खीमे को मैंने ना अच्छे से वॉश करके ना छन्नी में रख दिया था सारा पानी निकलने के लिए। और मसाले मैंने एकदम धीमे आंच पर हमें भून लेना है। और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक से डेढ़ चम्मच पिसा हुआ धनिया, ताज़ा धनिया आता है ना पिसकर मैं रख देती हूँ, जब भी मेरे घर पर धनिया ज़्यादा आता है तो मैं पिसकर है ना ग्लास जार में डालकर रख देती हूँ, तो ऐसे काम आ जाता है, तो टेस्ट ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास पिसा हुआ धनिया हो तो डाल देना, वरना स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं डालना। मेरे पास था तो मैं इसलिए डाल दिया है। और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, और दो सीटी आने तक गैस को बढ़ा कर मैं खीमे को पका लूँगी, उसके बाद है ना गैस को बंद कर दूँगी। और यहाँ पे ना बीबी जैनब गाजर छील कर खा रही है, मुझे कह रही थी छील कर देने के लिए, मैंने कहा मुझे काम है तुम ही कर लेना। तो यहाँ पे देखिए दो सीटी होने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था, और तेल जो है ना अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे जो हमने आलू कट करके रखा था छील कर, सारे आलू इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से एक बार। मैंने पहले डाला था ना, पानी सारा सूख चुका है, तो आलू डालने के बाद आलू गलाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा मैंने आधा ग्लास से भी कम यहाँ पे पानी ऐड किया है। और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करके हम कुकर ढक्कन लगाकर एक ही सीटी आने तक गैस को ऑन करेंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ना आलू गलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक सीटी के अंदर ही अच्छे से गल जाता है। और आलू हमें ज़्यादा गलाना भी नहीं है, हमें सिर्फ अपने 80% ही आलू को गलाना है। और एक सीटी होने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना एक पैन चढ़ा दिया है, पैन में डाल दिया है एक बड़ा चम्मच तेल, और तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे ना दो चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल दिया है, और एक चम्मच मैंने यहाँ पे ना लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। सारे दोनों मसाले को सारे तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम धीमे आंच पर करना है वरना जल जाएगा मसाला। और थोड़ा सा भुनाई करने के बाद अच्छी सी खुशबू आने के बाद इसमें ऐड करेंगे जो हमने आलू खीमा पका कर रखा था, इसमें ऐड करेंगे।
अच्छा आपको है ना बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होंगी, यहाँ है ना रोड पर ही हमारा घर है, जब भी मैं मोबाइल लेकर बैठती हूँ ना एडिटिंग करने के लिए तो पीछे से आवाज़ आती ही रहती है। खैर अभी थोड़े दिन हम यहाँ पे नहीं रहने वाले, रमज़ान तक ही हम यहाँ पे, मेरा न्यू घर है ना तैयार हो रहा है, इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको मैं इंशाल्लाह मेरा होम टूर भी बताऊँगी। ऐसे मेरे चैनल पर बने रहना, मैं आपको होम टूर ज़रूर दूँगी। अच्छा मैंने यहाँ पे ना सारा कीमा डालकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और धीमे आंच पर हमें थोड़ा सा पका लेंगे मसाले को। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी हो ना तो डाल देना, मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया है। और यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस डालकर फिर से एक बार पका लिया है और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त डबल तड़के वाले कीमा आलू तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है आलू कीमा, एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको ना इसका टेस्ट तभी पता चलेगा जब आप इसे बनाएंगे। तो साथ में मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा भूखे हुए थे क्योंकि ना मैं सुबह में सुसलाई बनाया था जो चुरमुरे या फिर मुरमुरे से बनता है, तो वो ज़्यादा भूखे थे तो मैंने ना जल्दी से ना इनको पाव गर्म करके दे दिया था। और यहाँ पे मैंने तवा गर्म होने के बाद है ना थोड़ा सा तेल ऐड किया है और तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद तेल के अंदर ही मैंने लाल मिर्ची डाल दिया और लाल मिर्ची थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे ना पाव रख दिया है अच्छे से क्रंची होने के लिए। मेरे मीनास को है ना मिर्ची वाला पाव बहुत ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा मिर्ची डाल दिया है यहाँ पे और अच्छे से ना मैंने पाव को ना कड़क होने तक अच्छे से गर्म कर लिया है, जैसे हम पाव भाजी के लिए गर्म करते हैं ना उसी तरीके का मैंने यहाँ पे पाव गर्म कर लिया है। मेरे पास है ना घी और बटर दोनों भी नहीं थे इसलिए मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया। अगर आपके पास है ना घी या फिर बटर हो तो आप ऐड कर देना, अच्छे से ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। तो धीमे आंच पर रख कर है ना मैंने अच्छे से पाव गर्म कर लिया है और निकाल लिया है। अच्छा गर्मा गर्मा अभी सर्व करते हैं। मैंने पाव को अच्छे से गर्म कर लिया है, आप देख सकते कितना एकदम टेस्टी लग रहा है कीमा, देखते ही मुँह में पानी आने लगा है। तो झट से मेरा ना पूरा कीमा ख़त्म हो गया था, उतना टेस्टी बना था। तो ऊपर से ना आप चाहे तो नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं और साथ में ऐड करेंगे प्याज स्लाइस में कट करके और तैयार है गर्मा गर्म एकदम ज़बरदस्त और एकदम टेस्टी रेसिपी और बनाने में एकदम सिंपल और खाने में एकदम लाजवाब। तो फ्रेंड ये थी आज की रेसिपी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।